हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूं, उस मेडिसिन का नाम बिलाज़ेप एम टैबलेट है। दोस्तों, बिलाज़ेप एम टैबलेट को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये मेडिसिन 10 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस 175 रुपये है। दोस्तों, बिलाज़ेप एम टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें दो साल्ट का कंपोजिशन होता है। पहला बिलास्टिन, जो 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है, और दूसरा मोंटुलोकास्ट, जो 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बिलाज़ेप एम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेते हैं, जैसे इस मेडिसिन के यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले साल्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करती है, साथ ही साथ इस दवा के डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी जानेंगे, एंड हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी जानेंगे जिनके साथ बिलाज़ेप एम टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि इस मेडिसिन में दो साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अगर बिलास्टिन की बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामाइन दवाओं के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका यूज सीजनल एलर्जी, बहती नाक, खुजली, नाक से पानी गिरना, आंख लाल होना, आंखों में खुजली होना और स्किन रैशेज के साथ साथ इरिटेशन जैसे लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और जहां तक दूसरे साल्ट मोंटुलोकास्ट की बात करें तो दोस्तों, ये साल्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका यूज मुख्य रूप से अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि डॉक्टर बिलाज़ेप एम टैबलेट को कब और किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा का यूज़ एलर्जी के कारण नाक बहना, छींक आना, एलर्जिक राइनाइटिस, मौसम के बदलाव से होने वाले सर्दी जुखाम और एलर्जी के कारण होने वाले आंखों में लाली, सूजन, खुजली इत्यादि को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सांस की नली में होने वाले सूजन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, सांस की नली में सूजन अस्थमा के पेशेंट को होता है और इस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ होती है। फ्रेंड्स, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मेडिसिन बॉडी में हिस्टामाइन केमिकल के प्रभाव को ब्लॉक करता है, जिस वजह से एलर्जी, खुजली, सूजन और स्किन रैशेज होते हैं, और साथ ही साथ ल्यूकोट्रियम नाम के केमिकल मैसेंजर को भी ये मेडिसिन रोकता है, जो अस्थमा और एलर्जी से होने वाले सांस की नली में सूजन के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह बिलाज़ेप एम टैबलेट किसी भी तरह के होने वाले एलर्जी, खुजली, लाली, सूजन और एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके डोज की, तो इस दवा को खाना खाने के बाद एक टैबलेट रात में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो इसका कॉमन डोज है। और जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर हेडेक, डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ और स्लीपनेस जैसे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है तो प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को इसका यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हार्ट, लीवर और किडनी के पेशेंट को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन, शुगर और मिर्गी के मरीजों को भी ये दवा नुकसान पहुंचा सकता है। सो ऐसे किसी भी कंडीशन में पेशेंट को बिना डॉक्टर के सलाह के बिलाज़ेप एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में चलिए उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ बिलाज़ेप एम टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन्स साइक्लोस्पोरिन, केटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और एजिथ्रोमाइसिन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए ऐसे दवाओं के साथ बिलाज़ेप एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में विलाज़ेप एम टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।